तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पे भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, कल रात परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया, लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास एक नॉलेज है, जिनके पास एक सेंस है, वो क्या SOPs पर अमल करके अपनी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने नहीं जा सकते? क्या वो SOPs पर अमल करके अपनी क्लासरूम्स में नहीं जा सकते? तो हमारा मुतालबा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म की जाए, ऑनलाइन एग्जाम खत्म किया जाए, और फीसिस का मुतालबा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर किया गया है कहीं पे भी तो वो नाजायज मुतालबा है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़े ही है। हमारा ये मुतालबा है कि इंशाल्लाह 12 जून को, अगर 12 जून 2020 बरोज जुम्मा तक हमारे मुतालबात अगर नहीं मारे जाते तो हम पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। तलबा घरों से निकलेंगे, शहर शहर, नगर नगर धरने होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और ये बात याद रखें कि जब एक दफा तलबा निकल जाएं तो वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी, फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमतें वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा, और HEC के चेयरमैन होंगे, जो कि हम लोग पुरअमन तरीके से हर लिहाज से हर तरह से अब तक तावुन करते आए हैं, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है। अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, 12 जून को एल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा, और फिर हमारे ही लोग रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और के साथ साथ 9 फीस का बाइकॉट करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ आऊंगी, अपना बुलेट ट्रेस करूंगी कि हमने बात की है यहाँ पर से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन और इसे प्रमोट ना किया जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात जरूर रेज करूंगी कि क्या ये ट्विटर ट्रेंड्स बन के रह जाएंगे, क्या इस पर हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बात करते रहेंगे, या फिर हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी नजर आएगी? क्योंकि आप लोगों ने प्रोटेस्ट के बाद देखा कि हर जगह से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन, पी सबमिशन के बारे में बात की जा रही थी मीडिया की जानिब से भी, और मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया इस सब में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसी भी मीडिया चैनल पे कहीं पर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो आए, HEC के मेंबर्स आए, किसी ने भी हामी भरी कि हम लोग फर्दर काम करेंगे? यही कहा जा रहा है कि SOPs बनाई जाएंगी और फर्दर काम होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगी हमारे HEC डिपार्टमेंट को। ऐसी बात नहीं है कि HEC के हम खिलाफ है, क्योंकि HEC भी हमारा ही पार्ट है, इस मुल्क का ही पार्ट है और हमारा ही अदारा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स का गला पकड़ेंगे तो फिर उनकी आंखें बाहर आएंगी ही आएंगी, और मजबूर कर दिया गया। हमने हर जगह से अपनी वॉइस रेज करने की कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रेंड्स के थ्रू, लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ एक फैशन ट्रेंड्स बन गए हैं, ना कि इन पे कोई काम किया जा रहा है। सिर्फ ट्रेंड्स को ऊपर लाना बात नहीं होती, उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाना, उसके ऊपर काम करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैंडेमिक सिचुएशन है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त COVID-19 की सिचुएशन में है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे साथ तआवुन करें। तो क्या अगर मैं यहाँ पर पूछूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी क्या डिजिटल मीडिया इंट्रोड्यूस किया गया था पहले वक्तों में, तो अभी ये लोग हमारे ऊपर किस तरह से ये थोप सकते हैं कि आप लोग डिजिटल मीडिया के साथ? ये भी नहीं कहा जाता कि आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करें, ये कहा जाता है कि आप लोग जो है LMS के साथ कोऑर्डिनेट करें, आउटलाइंस के साथ कोऑर्डिनेट करें और नेटवर्क्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। वहाँ पर हमने जब बात की हमारी डेलीगेशन टीम ने, तो एक बार 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 रेज की जा रही थी कि हम लोग नेटवर्क से काम करें, हमारा मीडिया सबसे पहले हर जगह पहुंच जाता है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी देखा कि 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस प्रूफ के साथ बात की कि हमारे पास इस वक्त मैप्स मौजूद हैं जहां जहां पर टावर्स लगाए जा रहे हैं, और हम इंगेज कर रहे हैं डिफरेंट जो हमें नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या कहीं पर भी टावर्स लगाए जा रहे हैं? आज तक मैंने तो ऐसी कोई वीडियो वायरल होते हुए नहीं देखी।
इसी के साथ मैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आऊंगी। मेल्स के साथ तो इश्यूज होते हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोविड-19 है तो बाहर नहीं जाना, जितना कोशिश करें घर में रहें, तो क्या अगर मेल्स तो चले फिर भी कुछ ना कुछ करके बाहर चले जाएंगे, चले हम कहते हैं कि वो हमारा राइट हैंड है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग करे बाहर जाए, तो क्या अब फीमेल्स जो है वो घर में ही रहने की बात की जा रही है कि कोविड-19 है घर में रहे, तो अब फीमेल्स बाहर जा रही है मजबूरन, क्यों? क्योंकि नेटवर्क इश्यूज नहीं है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात की जाती है, तो हमारे पेरेंट्स भी मेजॉरिटी के इतने अवेयर नहीं होते जो बैकवर्ड रिमोट एरिया से होते हैं कि बाहर जाके उनको नेटवर्क्स प्रोवाइड करें, उनके लिए लैपटॉप्स परचेज करें, उनके लिए गैजेट्स परचेज करें कि वो ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बने। दूसरी बात कि हमें डिजिटल मीडिया जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हम इसका पार्ट अभी बने, इसका इनिशिएटिव अभी बने, हमें खुद भी यूज़ करना नहीं आता तो हमारे टीचर्स को भी यूज़ नहीं करना आता, जो टीचर फीमेल स्टाफ है उनको भी यूज़ नहीं करना आता। तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में जाते हैं सुबह लिंक के थ्रू, तो मैं ज़रूर आपके साथ ये बात शेयर करती अगर मैंने कहीं सुनी होती, लेकिन ये मेरा पर्सनली, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, तो मैं इस प्रूफ के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि मेरी IDs हैक की गई, मेरी प्रोफाइल हैक की गई, मेरा नेम हैक किया गया, और आई विल नॉट कॉल देम स्टूडेंट्स जो आए थे हमारी क्लास में, क्योंकि सिर्फ उनकी जानिब से बात नहीं की जा रही थी, जो है बैकवर्ड डैमेज और बहुत बुरी तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा था टीचर्स की जानिब पे भी। और उसके बाद जब हमने पॉइंट ट्रेस किया, जब हमने कोशिश की कि हम अपने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके इंगेज करें, तो हमारी यूनिवर्सिटी हमें वो मुतालबात और वो चीज़ें पेश कर रही थी जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके थे, यानी कि उनसे ज़्यादा डाटा हमारे पास उस टाइम मौजूद था उन स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। उसके बाद हमारी टीचर्स ने जो है हमारे साथ इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और हमारी क्लासेस देनी बंद कर दी कि आप लोगों की क्लास में ये इशू हो रहा है। आप मुझे बताएं इस कोविड-19 के सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है डिजिटल मीडिया के थ्रू, वो उसके पार्ट हम नहीं है, हमारे टीचर्स उधर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटी अपनी अपने एरिया पे लाई कर रही है, तो हमें बताया जाए कि हमने आखिर किया क्या है और हमें किस बात की सजा दी जा रही है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर सिर्फ बिल्कुल ब्रीफली इसे ख़त्म करूँगी और यहाँ पर ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को जो है उनके राइट्स दिए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आज शहर के स्टूडेंट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, शहर की फीमेल्स बाहर आ जाएंगी, उनको इश्यूज नहीं है, हम गैजेट्स लेके, मैं खुद भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, वो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का कोई और हल निकाला जाए। इट्स क्लियर एंड फाइनल से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन। थैंक यू। दे दें या हमें रिटर्न फॉर्म में कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। अभी मैं बगैर वक्त ज़ाया किए कुछ दो बेसिक मुतालबात हैं जो HEC को हमने डिमांड लेटर दिया, वो तो अमार भाई आपको बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर दो बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रोटेस्ट के फौरन बाद उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है सेनेट की, उसने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को 9 तारीख को कॉल किया है कि आप जो पोस्ट कोविड-19 ये जो इशू चल रहा है उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का क्या सिनेरियो है उसके हवाले से गाइड करें। तो उसके अंदर एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भी जब इस इशू को उठाते हैं तो जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं या जो इशू को डिस्कस कर रहे होते हैं वो 45-50 साल के बुजुर्ग होते हैं, 60 साल के बुजुर्ग होते हैं, तलबा को नुमाइंदगी दी जाए, हमसे पूछा जाए, क्योंकि हम इन मसाइल को फेस कर रहे हैं। तो मेरी ये आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट है, मेरे ख्याल है उसके चेयरमैन जो हैं वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं उस स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनसे दरख्वास्त है कि जब आप HEC के चेयरमैन को बुलाएं तो हमें भी वहां बुलाएं ताकि हम लोग वहां पर आके अपने मुतालबात पेश करें, आपसे डिस्कस कर सकें कि ये इशू आ रहे हैं और इनको सॉल्व किया जाए। और दूसरा बड़ा मुतालबा मेरा ये है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत सारी चीजों पे सो मोटो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन हुजूर वाला पिछले 3 माह से हम लोग हर फोरम पर, हम हर जगह पर अपनी आवाज उठा चुके हैं, खुदारा हमारी दादरसी की जाए, हमारे जो मुतालबात हैं माने जाए या कम अज कम सुने जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये किसी 1, 2 या 10 लोगों का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के लाखों तलबा के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। अभी जो डिमांड्स जो बताई गई आपको, जो डिमांड जो हमने HEC को दी, जो पूरा एक लेटर दिया विद प्रॉपर फी वाउचर्स, विद प्रॉपर एप्लीकेशन, कोई तकरीबन 30 पेजेस की एक फाइल जो थी हमने HEC को, जो अभी इंशाल्लाह हम आप लोगों को भी देंगे, उसके अंदर जो बेसिक डिमांड्स थी वो इंशाल्लाह अमार अल्ताफ सती साहब आपको यहाँ पे बताएंगे कि हमारे दो बेसिक इशूज जो हैं वो हैं क्या। जी अमार भाई,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले को पूरे पाकिस्तान में उजागर किया और तलबा की आवाज़ बने, उसके बाद बगैर मैं कोई तमहीद बांधे अपने मुतालबात की तरफ आता हूँ। हमारा सबसे पहला और बुनियादी मुतालबा यह है कि फिल फॉर ऑनलाइन क्लासेस का खात्मा किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तलबा के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है। और हमारा दूसरा मुतालबा ये है, चूँकि गुज़श्ता 4 माह से तमाम इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो तलबा से किसी भी किस्म की कोई फीस ना लीजिए। अब मैं इन दो मुतालबात के पीछे छुपी वजाहत की तरफ आना चाहूँगा। तो जो ऑनलाइन क्लासेस का मसला है, ऑनलाइन क्लासेस का इशू ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब और रिमोट कंट्रोल एरियाज, वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आप और मैं और हमारे साथ यह पूरा पाकिस्तान जानता है कि तलबा इन मसाइल का शिकार हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे तलबा 70 से 80% तलबा अपनी क्लासेस नहीं ले सकते। और जो क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको इस्लामाबाद में नेटवर्क की पोजीशन का हाल बताऊं, तो यह मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पर भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया, लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। तो हम पूछना यह चाहते हैं कि अगर ये HEC इसको अपने कांधे पर नहीं लेती, जिस तरह फतेह मरी मोहम्मद साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, आपके मुतालबात ठीक हैं। गुज़श्ता रात HEC के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा प्रोग्राम पे कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये हमारी नाअहली है। एक प्रोफेसर साहब थे एयर यूनिवर्सिटी से, उनका ज़र्फ़ है कि उन्होंने अपनी नाअहली को तस्लीम किया। उन्होंने कहा यह हम असातिज़ा की नाअहली है कि हमें न्यू डिवाइसेस, न्यू टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, हमें यूज़ करना नहीं आता। इवन दो हमने आज इसी पेंडेमिक सिचुएशन में जाके जूम सीखा है कि जूम को कैसे चलाते हैं और स्काइप को कैसे चलाते हैं। तो मुझे बताएं कि ऑनलाइन क्लास में जब एक टीचर जो है स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा और उसको चुप करवा देगा, उसको म्यूट कर देगा कि यू आर नॉट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन हियर। तो मुझे बताएं कि जब एक जहन में सवाल है वो सवाल नहीं करेगा तो वो सीखेगा क्या? और फिर उसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, इकरा यूनिवर्सिटी की, कस्ट यूनिवर्सिटी की, बैरिया यूनिवर्सिटीज की, जहाँ पे जूम में क्लासेस हो रही हैं और वहाँ पे एनोनिमस पर्सन लिंक कॉपी करके फीमेल्स की आईडीज हैक करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे क्लास का माहौल ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से टीचर ये बात समझे बगैर सारी क्लास की अटेंडेंस भी नहीं लगाते, उनको एब्सेंट मार्क करते हैं और दोबारा क्लास जो है वो लेते भी नहीं हैं। फिर फीसिस की तरफ आते हैं कि फीसिस का असल इशू क्या है। फीसिस में असल मसला ये है कि देखें, टीचर्स को भी पे करना है। हम तो कह रहे हैं कि हमने ना यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, ना ट्रांसपोर्ट यूज़ की, ना लाइब्रेरी यूज़ की, ना एग्ज़ाम अभी तक हमने दिए, ना कोई मिड टर्म हमने दिया, और उसके साथ ना कोई लैब हमने यूज़ की, ना रिसर्च वर्क किया। तो मुझे बताएं कि ये जो 6-7 एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लगाए हुए हैं फीसिस में, फीस ट्यूशन फीस 20 से 25 हज़ार रुपया है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेज मिला के ये फीस 1,00,000-1,75,000 तक पहुंच जाती है। मुझे बताएं कि ये चार्जेस हम किस लिए दें? पहली बात तो यह कि जिन बच्चों ने फीस दे दी है उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी और घर बैठ के हम एग्जाम देंगे और एग्जाम के भी एक्स्ट्रा 10,000 रुपया देंगे और लैब वर्क होगा नहीं तो लैब के भी एक्स्ट्रा 15,000 चार्जेस देंगे। सेकेंड बात आ जाती है, पाकिस्तान का 70% तबका वो है जो डेली वेजर। अब मुझे बताएं कि ये कस्ट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, UCP, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इनके बिल्कुल नाम मेंशन करूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है कि कुछ हो जाएगा, हक की बात है। और वो एक शेर बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि उस शख्स का मुनाफिक नहीं दुनिया में कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो ये मेरे पास चलान फॉर्म्स मौजूद हैं जो हमने HEC के डिप्टी डायरेक्टर सेकेंड इन कमांड को भी दिए थे कि ये अगले सेमेस्टर के चलान फॉर्म्स अभी से तलबा को थमा दिए गए और उन्हें ये कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी फीस दें नहीं तो सेमेस्टर फ्रीज करवा लें। मुझे बताएं कि ये एक बिजनेस है या ये एक एजुकेशन है? ये एक एजुकेशन का मेयार है कि तलबा को फोर्सफुली कहा जा रहा है? ये तमाम सबूत इस फाइल में जो मौजूद हैं, ये हमने शफकत महमूद साहब तक भी पहुंचाए, ये सबूत हमने डिप्टी डायरेक्टर फतेह मोहम्मद मरी साहब तक भी पहुँचाए, और उसके अलावा आपके मीडिया के तवसुत से ये सबूत तमाम पाकिस्तान तक मैं दे रहा हूँ कि ये सबूत हम बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। फिर आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम या ये जो फीसिस का मामला है,
ये पाकिस्तान में पेंडेमिक सिचुएशन में फर्स्ट टाइम रेज हुए। अब हर बंदे को पता है पेंडेमिक सिचुएशन है, अगर पेंडेमिक सिचुएशन है स्टूडेंट प्रमोशन मांगते हैं। एच ई सी के चेयरमैन के ट्वीट के मुताबिक, एच ई सी की ऑफिशियल पेज से ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम स्टूडेंट को जो है विदाउट पेपर प्रमोट कर दें, तो हम उनको सोल्यूशन देते हैं कि आप हमें बताएं, हम आपको आईटी एक्सपर्ट देते हैं जो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना के देंगे, आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके हैं, गुज़श्ता 3 माह से 4 माह से आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ नहीं करवा सके, और आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, हमें टीम दें, हम आपको बना के देंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और वो वर्क करेगा, उसका लिंक भी डाउन नहीं होगा। सेकंड बात, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी, वो पूरे पाकिस्तान में एच ई सी के ऐलान करने के बाद कि हम जो है पूरे पाकिस्तान में फ्री पैकेजेस देंगे और चीप पैकेजेस देंगे स्टूडेंट्स को इंटरनेट के, तो जहां पे 4G आ रहा था वहां 3G आना स्टार्ट हो गया इनके इस ऐलान के बाद। तो सूरत हाल ऐसी है। और फिर आखिरी सोल्यूशन ये है कि अगर आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में बाजार, मार्केटें और बाकी तमाम दफ्तरी कारोबारी हजरात काम कर सकते हैं, तो वाई नॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास एक नॉलेज है, जिनके पास एक सेंस है, वो क्या SOPs पर अमल करके अपनी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने नहीं जा सकते? क्या वो SOPs पर अमल करके अपनी क्लासरूम्स में नहीं जा सकते? तो हमारा मुतालबा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म कीजिए, ऑनलाइन एग्जाम खत्म किया जाए, और फीसिस का मुतालबा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर किया गया है कहीं पे भी, तो वो नाजायज मुतालबा है। हम तमाम तलबा, हम चूंकि पाकिस्तान के तलबा की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं आपके तवसुत से ही कहना चाहता हूँ कि ये नाजायज मुतालबा है, इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब असद भाई आपको अभी चूंकि यहाँ पे कुछ दो एक चीजें जो है वो आपको बताना जरूरी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। जैसा कि अमार भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान के तलबा की हम कर रहे हैं, और हमारे साथ मेरे ख्याल है कराची से लेके कश्मीर तक तमाम यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं वो रबते में हैं। अच्छा, अभी नुमान भाई जो है वो आपको डिटेल गाइड करेंगे कि एच ई सी की मीटिंग के अंदर हुआ क्या। उससे पहले मैं एक आपको अर्ज कर दूं कि एक और चीज की जो रिसर्च के स्टूडेंट से और जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट से फीस ली जा रही है उसको फौरन वेव आउट किया जाए। आप सब बेहतर जानते हैं कि जो रिसर्च वर्क होता है, जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, जो एमएस और पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं खुद एमएस का स्टूडेंट हूं, पिछले 3 माह से और अगले 2 माह यानी ये पूरा सेमेस्टर कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ। मेरा फिजिक्स में एमफिल चल रहा है, तो फिजिक्स का सारा काम जो है वो, और इसी तरह बहुत सारे साइंस सब्जेक्ट्स का सारा वर्क लैब में होता है। तो वो बंदा जो लैब में गया ही नहीं पूरा सेमेस्टर, मेरे पास 90,000 का फी वाउचर पड़ा हुआ है, ये भी आपको सारी चीजें इंशाल्लाह दी जाएंगी। मैं क्यों 90,000, मैं सिर्फ इस बात के 90,000 रुपए अपनी यूनिवर्सिटी को दूं, और इसी तरह कई हजार तलबा ऐसे हैं, सिर्फ इस बात के पैसे दें आपको कि वो एनरोल है आपके पास, तो फिल फॉर ये इसमें ऐड कर लें मुतालबा के फिल फॉर जो रिसर्च के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं, एमएस और पीएचडी के जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसी फीस के साथ अकोमोडेट किया जाए, उनसे नई फीस का मुतालबा ना किया जाए। नुमान भाई प्लीज। सर, मैं कुछ आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूंगा। मामला माइक दे, ठीक है बात, इसी तरह कर लें, चलो कर लें। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये हरगिज तासुर ना दिया जाए कि ये सिर्फ यहाँ पर जो इस्लामाबाद के जो जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया ये उनका मामला था, ये पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमारे साथ रबते में हैं, ये उनका मामला है और हम उनकी रहनुमाई के बिहाफ पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे मेन चीज़ मैं आपके साथ एच ई सी के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ एच ई सी की यूनिवर्सिटीज जो रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद की 214 से लेकर 220 के दरमियान है, ये एच ई सी के फिगर्स हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जिनका पूरा जिनके इम्तहानात सर पर पहुंचे हुए हैं वो कोई 3 मिलियन के अराउंड अबाउट हैं, जो कि एच ई सी की वेबसाइट पे 2013 और 14 की रिपोर्ट पड़ी हुई है, शायद उसके बाद एच ई सी भी अपडेट करना भूल चुका था, उसके अपडेट हमें नहीं मिली। अब जो एच ई सी से हमारी मीटिंग हुई उस दिन, ये 6-7 लोग जो मौजूद हैं ये डेलीगेशन में अंदर मौजूद थे, उससे पहले 17 मई को शफकत महमूद साहब को ये लेटर लिखा गया जिसमें पूरी सूरत हाल वाजे की गई कि बच्चे क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं, उनकी शायद इंग्लिश कमज़ोर हो, हमने उर्दू में भी उनको साथ ही लिखा कि शायद उनको समझ आ जाए कि बच्चे चाहते क्या हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया।
15 से 20 टॉप ट्विटर ट्रेंड्स इस टाइम भी एक ट्रेंड पैनल पे चल रहे हैं स्टूडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद। अभी तक उसका भी जो इमरान खान साहब ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं शायद उनकी नज़र से गुजरा हो, अभी तक कोई हुकूमती इदारे से उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। ये 3 महीने से कोई 20 ट्रेंड स्टॉप चल चुके हैं। उसके बाद पीएम सिटीजन पोर्टल पे पूरे पाकिस्तान से जिस तरह बताया गया कंपेन चल, जो 3 जून को प्रोटेस्ट था इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करते हुए हमने अलामती मुजाहरा किया। 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई उसका मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूं कि हमने जब उनको कहा कि हमारी फीसिस जो सर पर मौजूद हैं हम कैसे पे करें, तो उन्होंने HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का ये हमसे सवाल था कि आप ये 6 महीने बाद देते हैं, साल में देते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। पहले तो वो इस चीज़ पे हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि जो LMS सिस्टम, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है, आप हमें ब्रीफ करें। जब हमने उनको ब्रीफ किया, साथ ही हमने उनको फीसिस का इशू हमने रेस किया, उसके बाद मैंने उनको बड़ी एक प्यारी सी सजेशन दी जिस पर मुझे उनकी मुस्कुराहट सिर्फ मिली। मैंने कहा सर आपसे अर्ज ये है कि आप बार बार, उन्होंने जिक्र किया कि अगर स्टूडेंट्स का सेमेस्टर लॉस हो जाता है तो हम लोग फीस रिफंड कर देंगे। मैंने कहा सर मुझे आप ये बता दें कि आप किस किस्म के सेमेस्टर लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक 3 महीने हो गए ऑनलाइन क्लासेस का और 3 महीने बाद 4 महीने का सेमेस्टर होता है, अराउंड अबाउट फाइनल सर पे चढ़ जाते हैं। अब बच्चे उस स्टेज पे हैं जहाँ पे फाइनल उन्होंने देने हैं। मुझे आप ये बता दें कि आप, मेरे नज़दीक लॉस हो गया है, आप मुझे बताएं आप मेरी फीसिस का क्या करेंगे, जिस पर मुझे एक मुस्कुराहट मिली और उसके सिवा कुछ नहीं बोली दी गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हमने उन्हें कहा कि सर इस पर क्या पॉलिसी बनेगी, उन्होंने कहा पॉलिसी को 90 डेज लगते हैं बनते हुए। या तो पिछले 3 महीने से जो चीज़ें चल रही हैं, क्या 90 डेज नहीं हो चुके, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी? बिल्कुल नहीं बनी। और अगर बनाने के लिए मजीद 90 दिन दरकार हैं तो समझें कि ये हमारा सेमेस्टर ज़ाया हो चुका है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस का जो मेयार है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया गया। मुझे अभी जैसे ही जिस दिन HEC की मीटिंग हुई है, आप मीडिया हजरात ने कुछ चैनल्स पे ये खबर चली, उसके फौरन बाद हुआ ये कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज ने अपना बिजनेस चलाने के चक्कर में डेटशीट्स जारी कर दी के बच्चों के एग्जाम्स लेना स्टार्ट कर दिए। 2 जगह पे अभी इस्लामाबाद में कॉम्सेट्स यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और जो हाल वहाँ पे हो रहा है कि बच्चा अपना पेपर सबमिट नहीं करवा सक रहा। फिल फोर जो है वजीर आजम साहब या फिर शफकत महमूद साहब या HEC के जो चेयरमैन साहब हैं, जो कि अक्सर औकात हमें मिलते भी नहीं हैं, शायद आप मीडिया वाले भी रब्ता करें तो वो आपको आपका बयानिया जारी नहीं करवाते, वो वहाँ से हमें ये भी सुनने को मिला है कि कुछ मीडिया हजरात से। तो फिल फोर ये मुतालबा है कि ऑनलाइन पेपर जो हैं सस्पेंड किए जाएं फिर फोर, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जिनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान का इशू शेयर करना चाहूँगा। वहाँ पर बच्चे को 2.5 किलोमीटर अपने घर से दूर पैदल चल के जाना पड़ता है कि सिर्फ उसको कोई 2G या 3G के सिग्नल्स मिल जाए, वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस को कैरी करे, मुझे सिर्फ इस चीज़ का बता दें। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लेट फीस की जो सबमिशन है, ये भी यूनिवर्सिटीज की तरफ से शिकायत आई है कि हमें लेट फीस जो हम जमा करवा रहे हैं उस पर हमें फ़ाइन किया जा रहा है, जबकि इस पेनेडेमिक में तमाम तर तबकों को रिलीफ दिया गया गैस बिजली के बिलों में, तो ये फीसिस का क्या मसला है कि इसमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उसके बाद एक सिर्फ मैं आखिरी चीज़ आपके साथ ऐड करूंगा और उसके बाद असद यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके साथ अगला लाए अमल शुरू करेंगे कि हमने आगे इसको अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या किया जाएगा। जो गिलगित बल्तिस्तान से ये शिकायत मौसूल हुई है कि कुछ तो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि आपने फी चलान क्यों शेयर किए जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट से ज़बरदस्ती जो है सेमेस्टर फ्रीज करवाए गए कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी ना बने। ये आप, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बाकी इस टाइम पे जो फिलफोर है कि ऑनलाइन क्लासेस को मुअत्तल किया जाए और सारा कुछ सस्पेंशन दी जाए क्लासेस की और पेपर्स की,
अभी मैं असद के साथ आपको असद भाई शेयर करेंगे भाई उससे पहले। अच्छा जी, अभी असद भाई जो है वो आपके साथ एक इंतहाई अहम जो हमने अल्टीमेटम देना है, जब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो असद भाई आपके साथ शेयर करेंगे, तो जरा इसको वो बस एक शेर इससे पहले पढ़ दूंगा। रात इंदौरी साहब इंडिया के शहर है, उनका शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़े ही है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़े ही है। तो असद भाई प्लीज कैरी कर। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि तलबा वो लोग हैं कि जो कहें पाकिस्तान से आज तक जब भी मुश्किल वक्त आया इस कौम पर, इस मुल्क पर, तो हमेशा तलबा सबसे पहले मैदान में खड़ी हुई। और आज जब सब तलबा परेशान हाल हैं और उम्मीद में है, इस आस में है कि काश उनकी आवाज सुन ली जाए, उनके मुतालबात सुन लिए जाए, लेकिन किसी को होश नहीं, किसी को मैं समझता हूं कि कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अब हम एक अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, एक डेडलाइन देने जा रहे हैं, और हमारा यह मुतालबा है कि इंशाल्लाह 12 जून को, अगर 12 जून 2020 बरोज जुम्मा तक हमारे मुतालबात अगर नहीं मारे जाते, तो हम पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। तलबा घरों से निकलेंगे, शहर शहर, नगर नगर धरने होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और ये बात याद रखें कि जब एक दफा तलबा निकल जाएं तो वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी, फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा, और एचईसी के चेयरमैन होंगे, जो कि हम लोग पुरअमन तरीके से, हर लिहाज से, हर तरह से अब तक तावुन करते आए हैं, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है। अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, 12 जून को एल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरा पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा, और फिर हमें हमारे ही रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 जून तक मुतालबात ना मानने पर बायकॉट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस का पूरे मुल्क में, और के साथ साथ नो फीस का बायकॉट करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देंगे। इसके साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि शहरों में दफा 144 काफिज है, कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बाहरी मत लिखिएगा। मुझे बता दीजिए कि आज जो हुकूमत बरसर इक्तदार है, क्या वो माजी में खुल्लम खुल्ला दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करती रही है? क्या मौजूदा हुकूमत माजी में धरने जलसे जलूसों की सदत नहीं करती रही है? ये मत भूलें कि ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कंटेनर पर चढ़कर सिविल नाफरमानी की कॉल दिया करता था, ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो पूरी कौम को लॉकडाउन में उकसाया करता था, ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कभी पार्लियामेंट हाउस, कभी ऐवाने सदर, तो कभी पीटीवी पे हमले की जो कॉल दिया करता था। ये मत भूलें कि ये वही सदर पाकिस्तान है जो पूरे कराची को बंद दरवाजे करता था। हमें ना समझाएं कि दफा 144 किसे कहते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, और याद रखें ये वही लोग हैं ऐवानों में बैठने वाले जो मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे की बातें क्या करते थे। हम तो फिर भी बहुत पुरअमन है, हम बहुत कानूनी कानून के जरिए अपने आईनी हकों के जरिए अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर अब हमारी बात ना सुनी गई तो उसका जिम्मेदार तमाम हुकूमत वक्त होगी। और के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि क्या हमारा आईनी, जमहूरी और इंसानी बुनियादी हकूक में शामिल है कि हम अपने मुतालबात के लिए बोल सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए लड़ सकते हैं, और हमें इसके लिए ना रोका जाए। आप क्लोजिंग करते हैं इसकी, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछे, बस ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, और हमने एक, वैसे तो हम खुद स्टूडेंट हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी टी ब्रेक का एहतमाम किया, रिफ्रेशमेंट का, तो वो लाजमी करके जाइएगा।